के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश की कानून और शांति व्यवस्था की समीक्षा की है। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। राज्यपाल ने कहा अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। राज्यपाल ने आमजन से शांति और सुरक्षा में सहयोग की अपील भी की है। तो वहीं मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित पुलिस आयुक्त को राजभवन बुलाकर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा ली गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था की समीक्षा की है। राज्यपाल ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने आमजन से भी अपील की है कि प्रशासन का सहयोग करें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ रहा है। विनोद, देखिए जिस तरह से चक्का जाम की स्थिति में हम देख रहे हैं, और हालांकि प्रशासन ने पूरा इंतजाम यहां पर कर रखा है, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने आम लोगों से भी अपील की है कि वो पुलिस का सहयोग करे। जी बिल्कुल, देखिए राज्यपाल ने अभी जो मीटिंग ली है उसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त जयपुर को राजभवन बुला करके सारी बातचीत की है और प्रदेश की कानून एवं शांति व्यवस्था की विशेष समीक्षा की है। इस दौरान देखिए मिश्री ने वहाँ ये कहा है कि प्रदेश में शूटरों द्वारा आए दिन हत्या गंभीर मामला हो गया है। उन्होंने इस घटित अपराध को उपजे हालात पर निरंतर निगरानी रखने की हिदायत भी दी है राज्यपाल ने, और विशेष रूप से उन्होंने अपराधियों को पकड़ने के लिए पुख्ता कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था किसी भी स्तर पर नहीं बिगड़े, इसके लिए पुलिस और प्रशासन सभी स्तरों पर प्रभावी कदम उठाएं। राज्यपाल ने देखिए पुलिस और प्रशासन के स्तर पर निरंतर सभी स्थानों पर अलर्ट रहते हुए कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि इस संबंध में किसी भी स्तर पर कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्यपाल ने यह बात दो तीन बार दोहराई है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि कानून व्यवस्था ही सर्वोपरि है, सभी स्तरों पर यह सुनिश्चित किया जाए कि आमजन को प्रदेश में किसी भी स्थान पर परेशानी की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस संबंध में उत्पन्न परिस्थितियों की निरंतर मॉनिटरिंग किए जाने की भी हिदायत दी है। राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन द्वारा शांति और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, संगठित अपराधों पर कड़ी निगरानी भी रखी जाए और अपराध से जुड़ी किसी भी घटना पर सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जाए। देखिए बैठक में मुख्य सचिव थी, प्रदेश भर से जिला कलेक्टर स्तर पर हालात की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, केंद्र सरकार के स्तर पर भी 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्यपाल ने कहा है कि प्रकरण के पोस्टमार्टम और FIR दर्ज कर अपराधियों को पकड़े जाने के लिए निरंतर कार्रवाई की जाए। पुलिस महानिदेशक देखिए उमेश मिश्रा और गृह सचिव आनंद कुमार ने घटनाक्रम के बारे में सारी जानकारी राज्यपाल को दी है और अपराधियों को गिरफ्तार करने के निरंतर प्रयास किए जाने यह भी बात राज्यपाल के सामने रखी और राज्यपाल ने भी अपील करी है। देखिए राज्यपाल मिश्र ने आमजन से शांति की कानून व्यवस्था में सहयोग की अपील किया। उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कानून एवं शांति व्यवस्था में सभी के सहयोग का आह्वान करते हुए हालात पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। जी जी विनोद, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन